दूसरी रेसिपीज है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ग्रेटेड गाजर रखी हुई है, कैरेट, और ये जाड़ों यानी कि विंटर में एक बेहतरीन डिश मानी जाती है गाजर का हलवा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। मैंने 1 किलो गाजर इनको वॉश करके, पील करके और ग्रेट करके रख लिया है, और अब इसको एक बड़े भगोने में पकने के लिए रखेंगे। इसमें कोई घी भी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक गाजर है ये, और इसको हम अभी फिलहाल इसमें पकने के लिए रखते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट होने के बाद इसके जो इंग्रेडिएंट हैं क्या क्या पड़ना है, हम उसके सामान की तरफ आते हैं। साथ ही साथ हम इसमें अभी इलायची डाल देंगे, करीब ये 6 इलायचियां हैं, तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। ये पिसी हुई इलायची है, जब रेडी हो जाएगा गाजर का हलवा हम तब डालेंगे ऊपर से। बाकी के इंग्रेडिएंट हमारे पास कैशियो हैं जिनको रोस्ट करेंगे, बादाम हैं ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं, इनको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कैशियो को हम रोस्ट करेंगे। क्योंकि 1 किलो गाजर है तो शक्कर उसमें हम आधा किलो डाल रहे हैं। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं कुछ कम, तो उस हिसाब से फिलहाल मैंने कम ही शक्कर रखी है, ये अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। जब गाजर सॉफ्ट हो जाएगी और भुनने पर आ जाएगा गाजर का हलवा हमारा सॉफ्ट होकर, उस टाइम हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। देसी घी है और हमारे पास ऊपर से डालने के लिए ग्रेट किया हुआ खोया है, जिसे कॉटेज चीज़ भी कहते हैं, तो खोया हम बाद में डालेंगे जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा गाजर का हलवा। तो और साथ में घी भी है, उसमें से आधा कप घी पड़ेगा रेडी होने पर ही, और उसी के साथ मिलाकर भुना जाएगा, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी पानी अपने आप इसमें छूटेगा। तो इसको हम पकने देते हैं कम से कम आधा घंटे के बाद, इसको देखेंगे तो इसमें भाप आने लगेगी, अभी तो इसमें टाइम है। रंग कितना खूबसूरत है, इसलिए इसमें अलग से कोई रंग डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही पक के बेहतरीन बनेगा। तो मिलते हैं थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। ये देखिए अच्छे खासी ये मिक्स हो रही है। अगर इसको इसी टाइम पर हमें शक्कर डालनी है यानी कि शुगर, और दूध भी हम डालेंगे, तो पहले मैं दूध डाल रही हूँ, आधा दूध अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा थोड़ी देर में डालूंगी। आँच को थोड़ा तेज कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जब दूध डालते हैं तो दूध चलेगा नहीं, इसके साथ शक्कर पड़ जाएगी तो साथ में भुन जाएगा। मैं अभी हैफ शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि टेस्ट करने के बाद अगर कम लगेगी तो और डाल सकते हैं। और शक्कर पड़ते ही इसका कलर और डार्क होना शुरू हो जाएगा, एकदम से चेंज होगा। जब तक इसको पकने देते हैं, और देखिए हमारे ये रोस्ट किए हुए बादाम यहाँ रखे हुए हैं, तो मैंने रोस्ट कर लिया है दोबारा से, और कैशियो को भी रोस्ट कर लिया है। अब ये क्रिस्पी हैं तो खाने में जो है मुंह में दबेंगे, किचकिचापन नहीं आएगा जब उसमें डालेंगे हलवे में बाद में, तो एकदम इसी तरह के रहेंगे रोस्टेड और बेहतरीन लगेंगे खाने में। जब हम इसको डिश आउट करेंगे दोबारा से हम आपको दिखाते हैं, फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन देखिए हलवा रेडी होने पर आ गया है, गाजर बिल्कुल हो गई है, और इसमें क्योंकि शक्कर डाल चुके थे मैंने पूरी शक्कर डाल दी बाद में, और आधा कप जो दूध मैंने बताया था उसको भी ऐड कर दिया है। अब ये भून रहा है, इसी टाइम पर अब मुझे इसमें घी ऐड करना है, प्योर बटर, तो मैं इसमें 2 चम्मच
बहुत ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं है और बहुत लूज भी नहीं है, इस तरह का तेल भी ऐड कर रहे हैं। सिर्फ 2 चम्मच फुल, ये टेबल स्पून है, बस इतना इनफ है। अब इसका रंग और एकदम से चेंज होगा, ये देखिए कलर डार्क भी शुरू हो गया और इसका टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी टाइम पर अब हम इसमें खोया और रोस्टेड आलमंड एंड लिटिल कैशियो ऐड करेंगे और हैफ मैं गार्निश के लिए बचाऊंगी। इतना ये भून चुका है कि देखिए नीचे आप पैन का बॉटम आराम से देख सकते हैं, एकदम क्लियर है ये। और इसकी यही ड्यूटी है कि जब पक जाता है पूरी तरह से तो कुछ चिपकता नहीं है, कोई इससे पता चल जाता है कि हाँ हमारा हलवा अच्छी तरह से पक चुका है। ये अंदर ले रहा है बॉटम में, एकदम भून चुका है। इसी टाइम पर मैं इसमें पिसी हुई छोटी इलायची यानी ग्रीन कार्डमम ऐड कर देंगे, 3 कार्डमम हैं ग्रीन कार्डमम और मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है मिक्स करके। अब मैं इसमें खोया ऐड करूँगी, फिर हम डिश आउट करते हैं इसको। हैव राइट नाउ एंड हैव ऑन द टॉप। ये 100 ग्राम खोया है, 100 ग्राम, मिक्स करते वक्त बिल्कुल भी ना घबराएं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो टूट जाएगी, आराम से इसको मिक्स कर सकते हैं। ये खोया ऐड करने के बाद हमें बहुत देर इसको कुक नहीं करना है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। और हमने अपनी डिश भी रेडी करके रखी हुई है यहाँ पर, हीटर हम ऑफ कर देते हैं और गर्मा गर्म हलवा गाजर का राइट हेयर जाड़ों की बेहतरीन डिश आप सबके लिए पेश है। ऊपर से टॉपिंग करते हैं, और उसके बाद थोड़े से कैशियो, ज्यादा नहीं। अपने फिजिक का भी लोगों को ख्याल रखना है और हेल्थ का भी। सो गाजर का हलवा आपके सामने है, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।